आज हम स्नोफ्लेक्स स्कीमा का अभ्यास करने वाले हैं। सबसे पहले तो तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि स्नोफ्लेक्स स्कीमा का मतलब क्या है। देखो, जैसे RDBMS के अंदर डेटा को टेबल्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, इन द सेम वे डेटा वेयरहाउस के अंदर हम डेटा को स्टार स्कीमा या स्नोफ्लेक्स स्कीमा के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो आज हम ये देखेंगे कि स्नोफ्लेक्स स्कीमा क्या है, बट उससे पहले हमें यह समझने की जरूरत है कि स्टार स्कीमा के अंदर ऐसा कौन सा प्रॉब्लम है जिसके लिए स्नोफ्लेक्स स्कीमा को पिक्चर के अंदर आना पड़ा। तो पहले हम ये जानते हैं, उसके बाद आगे की चीजें तुम्हारे लिए समझना और ज्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, अब मान लेते हैं कि एक कंपनी है और उस कंपनी के अंदर सिस्टम है एक, और उस सिस्टम के अंदर ये सारे के सारे ट्रांजेक्शन्स है। बाय द वे, स्टार स्कीमा का रियल लाइफ रिप्रेजेंटेशन ये है। ओके, तो एक कंपनी है, कंपनी के अंदर सिस्टम है, सिस्टम मतलब कंप्यूटर, और उस सिस्टम के अंदर ये सारे के सारे ट्रांजेक्शन्स है। कस्टमर आईडी, कस्टमर के नाम, ये कस्टमर्स किन सिटीज के अंदर रहते हैं, उन सिटीज के नाम, और ये सिटीज किन स्टेट्स को बिलोंग करते हैं, उन स्टेट्स के नाम, दैट वी आर स्टफ राइट। अब लेट्स से कि कल उठ के तुम्हारी प्यारी प्यारी सी गवर्नमेंट ये बोलती है कि मुंबई का नाम मुंबई नहीं होना चाहिए, मुंबई का नाम होना चाहिए मुंबई अल्ट्रा प्रो मैक्स। तो अगर तुम्हारे प्यार प्यार से गवर्नमेंट ने ये ऑर्डर पास कर दिया, तो जो भी इंसान इस चंक ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए ऑथराइज किया गया है, उस इंसान को तो हर जगह पे जहां पे मुंबई लिखा है उसको कट करके वहां पे लिखना पड़ेगा मुंबई अल्ट्रा प्रो मैक्स। अब तुम शायद से ये बोलोगे कि यहाँ पे तो बस 3 बार ही मुंबई लिखा है, तो बस 3 बार उसको मुंबई कट करके वहां पे मुंबई अल्ट्रा प्रो मैक्स लिखने में कौन सा बड़ा प्रॉब्लम है मेरे भाई? यहाँ पे 3 बार है, बट इन रियल लाइफ लाखों करोड़ों बार मुंबई लिखा हो सकता है। तो क्या वो लाखों करोड़ों बार मुंबई कट करके वहां पे मुंबई अल्ट्रा प्रो मैक्स लिखेगा? एंड द आंसर इज नो, ऐसा वो नहीं करेगा, ये बेवकूफी है। तो बेसिकली ये एक प्रॉब्लम है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पिक्चर में आता है स्नोफ्लेक्स स्कीमा। ये स्टार स्कीमा का रिप्रेजेंटेशन है, ये स्नोफ्लेक्स स्कीमा का रिप्रेजेंटेशन है। अब हम ये समझते हैं कि इस प्रॉब्लम को स्नोफ्लेक्स स्कीमा कैसे सॉल्व करता है। देखो, अगर ये प्रॉब्लम है तो इस केस में हम यहां पे एक नया कॉलम इंट्रोड्यूस करेंगे, विच इज लोकेशन आईडी। ठीक है, लेट्स से मुंबई सिटी और उसका स्टेट महाराष्ट्र अगर है तो लोकेशन आईडी इज 11। अगर आगरा सिटी है और उसका स्टेट उत्तर प्रदेश है तो उसका लोकेशन आईडी है 12। मुंबई महाराष्ट्र है तो वापस 11, और मुंबई महाराष्ट्र है तो वापस 11। ठीक है, अब अगर ये प्रॉब्लम है तो इस केस में स्नोफ्लेक्स स्कीमा के आर्किटेक्चर के अंदर ये जो टेबल है ये 2 हिस्सों में डिवाइड होएगा। ठीक है, एक हिस्सा वुड बी कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम एंड लोकेशन आईडी। अब ये लोकेशन आईडी हमने क्यों इंट्रोड्यूस किया ये मैं तुम लोग को बाद में बताऊंगा। तो एक हिस्से में है कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम एंड लोकेशन आईडी, और दूसरे हिस्से में है, यानी कि दूसरे टेबल में है, एक टेबल में ही है, दूसरे टेबल में है लोकेशन आईडी वापस सिटी और स्टेट। अब इससे फायदा क्या होगा? देखो, पहले अगर मुंबई को चेंज करके हमें मुंबई अल्ट्रा प्रो मैक्स लिखना होता था तो हमें 3 3 बार मुंबई कट करके या मुंबई चेंज करके वहां पे मुंबई अल्ट्रा प्रो मैक्स लिखना पड़ता था, बट अब हमें 3 3 बार ऐसा नहीं करना पड़ रहा है, हमें बस 1 बार मुंबई कट करके मुंबई अल्ट्रा प्रो मैक्स लिखना है। ठीक है, तो वो जो प्रॉब्लम था वो यहाँ पे सॉल्व हो गया। अब मैं तुम लोग को ये बताऊंगा कि यहाँ पे लोकेशन आईडी का कॉलम हमने क्यों इंट्रोड्यूस किया। लोकेशन आईडी का कॉलम हमने इसलिए इंट्रोड्यूस किया ताकि हम इस टेबल से इस टेबल पे जंप कर सके। लोकेशन आईडी जो है इट मेक्स थिंग्स यूनिक। मतलब देखो अभी यहाँ पे कैसे ये कनेक्टेड है, या कैसे मैं इस टेबल से इस टेबल पे जंप कर सकता हूं। अगर मैंने तुम्हें बोला कि मदन लाल किस सिटी में रहता है, तो मदन लाल लोकेशन आईडी 11, 11 मुंबई, मदन लाल मुंबई सिटी में रहता है। यहां भी मदन लाल मुंबई सिटी में रहता था, मतलब वही हो गया। अब अगर मैंने तुम लोग को बोला कि मनदीप महेश्वरी किस स्टेट को बिलोंग करता है, तो मनदीप महेश्वरी 11, 11 महाराष्ट्र, मनदीप महेश्वरी महाराष्ट्र स्टेट को बिलोंग करता है मेरे भाई। अगर मैंने तुम लोग को बोला कि ढिंच्याक पूजा किस सिटी में रहती है, तो ढिंच्याक पूजा 12, 12 आगरा, ढिंच्याक पूजा आगरा में रहती है। तो इस तरीके से स्टार स्कीमा में जो प्रॉब्लम था उस प्रॉब्लम को ये जो स्नोफ्लेक्स स्कीमा का आर्किटेक्चर है या जो स्नोफ्लेक्स स्कीमा है वो सॉल्व करता है। ठीक है, अब हम स्नोफ्लेक्स स्कीमा के ऊपर एक एग्जाम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो
बट आगे बढ़ने से पहले तुम्हें ये समझने की जरूरत है कि नॉर्मली एग्जाम के अंदर ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ऑन स्टार्स की माँ, स्नोफ्लेक्स की माँ, बट कभी कभी एग्जाम के अंदर ऑन दीज टॉपिक्स थेरी क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। तो अगर थेरी क्वेश्चंस आ गए तो तुम्हें ये पता होने की जरूरत है कि तुम्हें एग्जैक्टली क्या लिखना है जिससे तुम्हें पूरे के पूरे मार्क्स मिल सके। और ऐसा करने के लिए आप हमारे नोट्स रेफर कर सकते हो, नोट्स के अंदर आपको ये सारी की सारी चीज़ें मिल जाएगी। इनफैक्ट नोट्स के अंदर हमने और ऐसे एग्जाम्पल्स भी सॉल्व करके रखे हैं जिससे आपकी प्रैक्टिस होगी, राइट। नोट्स के सारे डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। अब क्वेश्चन को एक बार रीड कर देता हूँ आपके लिए। कंसिडर अ डेटा वेयरहाउस फॉर हॉस्पिटल ऑक्यूपेंसी वेयर देयर आर फोर डायमेंशंस विच आर होटल रूम टाइम एंड कस्टमर्स एंड देर आर टू मेजर्स ऑक्यूपाइड रूम्स एंड वैकेंट रूम्स ड्रॉ अ स्नोफ्लेक्स स्कीमा। ठीक है, अब स्नोफ्लेक्स स्कीमा ड्रॉ करने से पहले हम इसके ऊपर स्टार स्कीमा ड्रॉ कर लेते हैं सबसे पहले, और फिर उसको स्नोफ्लेक्स स्कीमा में कन्वर्ट करेंगे जिससे आपको और ज्यादा अच्छे से समझेगा। ठीक है, तो अगर इसी क्वेश्चन के को कंसिडर करके हमने स्टार स्कीमा ड्रॉ किया तो वो स्टार स्कीमा कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, चार डायमेंशंस है, होटल रूम टाइम और कस्टमर, तो ये चार डायमेंशन और उन्हीं चार के जो फैक्ट्स है वो यहाँ पे, मतलब देखो चार डायमेंशंस है, होटल रूम टाइम और कस्टमर। तो होटल नेम, ऑब्वियसली होटल तो मतलब होटल नाम, होटल का नाम ही होगा, राइट। होटल नेम, रूम आईडी, कौन सा रूम है वो, उसके बाद टाइम के लिए हम डेट लिखेंगे और कस्टमर के लिए कस्टमर आईडी। ठीक है, ये चार हो गया। अब यहाँ पे एफ के क्या है मैं तुम लोग को बाद में बताऊंगा। उसके बाद दो मेजर्स है, ऑक्यूपाइड रूम्स और वैकेंट रूम्स, तो उसके लिए हमने लिखा नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड रूम्स और नंबर ऑफ वैकेंट रूम्स। सिंपल, ये हमारा फैक्ट टेबल। अब फैक्ट टेबल क्या होता है, फैक्ट टेबल के अंदर होते हैं फैक्ट्स, या तुम ऐसे भी कह सकते हो कि फैक्ट टेबल के अंदर होते हैं वैल्यूज। तो ये जो है ये हमारे वैल्यूज है और ये दो जो है वो हमारे मेजर्स है, एंड ये जो चार तुम्हें दिखाई दे रहा है ये डायमेंशन टेबल्स है। ठीक है, डायमेंशन टेबल्स क्या होता है, फैक्ट टेबल के अंदर जो फैक्ट्स है उन फैक्ट्स से रिलेटेड डिस्क्रिप्शन लिखना होता है हमें इन डायमेंशन टेबल्स के अंदर। ठीक है, मतलब अब यहाँ पे मान लेते हैं रूम आईडी है, तो ये एक फैक्ट हो गया, तो रूम आईडी के लिए एक अलग डायमेंशन टेबल बनेगा और रूम आईडी से रिलेटेड जो भी डिस्क्रिप्शन होगा वो इस डायमेंशन टेबल के अंदर लिखा जाएगा। अब रूम से रिलेटेड क्या डिस्क्रिप्शन होगा, रूम आईडी, रूम कौन से टाइप का है, मतलब वो स्वीट है या कौन से टाइप का रूम है बेसिकली। उसके बाद उसकी मैक्स ऑक्यूपेंसी क्या है, कितने लोग अलाउड है उस रूम के अंदर, मतलब उसके बाद नंबर ऑफ बेड्स, कितने बेड्स है उस रूम के अंदर, 2 है, 4 है, 5,000 है, कितने है, बड़े। उसके बाद वो रूम एसी है, नॉन एसी है, कौन सी रूम है। ठीक है, तो बेसिकली रूम के बारे में जो भी डिस्क्रिप्शन है वो रूम आईडी, ये जो फैक्ट है, इसके ऊपर एक डायमेंशन टेबल बनाया जाएगा और वो डिस्क्रिप्शन उस डायमेंशन टेबल के अंदर लिखा जाएगा। ठीक है, देखो चार डायमेंशन है, तो रूम, होटल, टाइम और कस्टमर, रूम, होटल, टाइम और कस्टमर के ऊपर हमने चार डायमेंशन टेबल्स बना लिए। अगर सपोज हमने रूम आईडी को कंसिडर किया तो उसके ऊपर यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखा जाएगा जो कि हमने लिखा। देन उसके बाद डेट जो है, अगर डेट को कंसिडर किया तो उसके ऊपर डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखा जाएगा जो कि विच इज डेट, कौन सा डे ऑफ द वीक है, कौन सा मंथ चल रहा है, कौन सा क्वार्टर है इन द ईयर, उसके बाद कौन सा ईयर चल रहा है। उसके बाद क्या है, उसके बाद होटल नेम, होटल नेम के ऊपर एक अलग डायमेंशन टेबल बनेगा जिसके अंदर होटल, होटल के ऊपर डिस्क्रिप्शन आएगा। ऑफकोर्स ये जो डायमेंशन टेबल है, ये डायमेंशन टेबल होटल नेम के ऊपर नहीं है, होटल के ऊपर है ऑब्वियसली, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया। तो होटल से रिलेटेड क्या डिस्क्रिप्शन है वो हमें लिखना है, रूम से रिलेटेड क्या डिस्क्रिप्शन है वो हमें लिखना है, टाइम से रिलेटेड क्या डिस्क्रिप्शन है वो हमें लिखना है, कस्टमर से रिलेटेड क्या डिस्क्रिप्शन है वो हमें लिखना है। ये होटल नेम, रूम आईडी, डेट, कस्टमर आईडी, ये क्या है, ये वो चीज है जो इन डायमेंशन टेबल्स को इस फैक्ट टेबल के साथ जोड़ती है। जैसे यहाँ पे ये लोकेशन आईडी इस टेबल को इस टेबल के साथ जोड़ रहा है, राइट। यहां से हम यहां पे जंप कर सकते हैं, इन द सेम वे देखो होटल नेम से हम यहां पे जंप कर सकते हैं होटल नेम पे। ठीक है, तो ये जो होटल नेम, कस्टमर आईडी, डेट और रूम आईडी है, ये वो चीजें हैं जो इन डायमेंशन टेबल्स को इस फैक्ट टेबल के साथ
जोड़ती है, और इसीलिए ये जो चार चीजें हैं वो यहाँ पे फॉरेन की है, और यही चार चीजें यहाँ पे प्राइमरी की है, ये प्राइमरी की है, ये प्राइमरी की है, ये प्राइमरी की है, और ये प्राइमरी की है। प्राइमरी की मतलब यूनिक, ठीक है। तो सारा डिस्क्रिप्शन, कस्टमर के बारे में क्या डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो तुम, कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, कस्टमर का एड्रेस, कौन से टाइप का रूम उसने बुक किया है, कितना अमाउंट उसने पे किया है। उसके बाद होटल के बारे में तुम क्या डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो, होटल का नाम, होटल का टाइप, होटल कितने स्टार्स का है, होटल किस रीजन में है, किस स्टेट में है, किस कंट्री में है, टाइम के बारे में क्या डिस्क्रिप्शन है बता दिया, रूम भी हो गया, ठीक है। तो बेसिकली अगर इस क्वेश्चन के को लेकर तुम्हें ये पूछा गया होता था कि स्टार स्कीमा ड्रॉ करो, तो तुम ये स्टार स्कीमा ड्रॉ करते थे, ये उसका परफेक्ट आंसर है। बट स्टार स्कीमा नहीं बोला गया है, स्नोफ्लेक्स स्कीमा बोला गया है, राइट। तो स्नोफ्लेक्स स्कीमा अगर बोला गया हो एंड प्लस ये भी मेंशन नहीं किया गया हो कि किस डायमेंशन को तुम्हें और ज्यादा आगे एक्सटेंड करना है, उसको नॉर्मलाइज कहते हैं, तो तुम किसी भी एक डायमेंशन को पकड़ सकते हो आगे एक्सटेंड करने के लिए। जैसे अब ये टेबल है, इस टेबल को हमने आगे इस ऐसे दो टेबल्स में एक्सटेंड किया था, राइट। इन द सेम वे अगर ये नहीं बोला है कि किस डायमेंशन को तुम्हें आगे एक्सटेंड करना है, तो तुम किसी भी एक डायमेंशन को सिलेक्ट कर सकते हो। मान लेते हैं होटल इस डायमेंशन को सिलेक्ट करते हैं, तो इसका मतलब होटल इस डायमेंशन को हमें और ज्यादा एक्सटेंड करना है। तो हम क्या करेंगे, देखो अब मैं क्या करता हूं, मैं क्या करूंगा, मैं ना रीजन को, स्टेट को और कंट्री को चेंज कर दूंगा, ठीक है। मतलब बेसिकली अभी रब कर रहा हूं, और उसकी जगह पे मैं यहां पे लिखूंगा सिटी आईडी, सिटी आईडी, ओके। अब यहां पे मैंने सिटी आईडी क्यों लिखा, देखो जो है यहाँ पे स्टार स्कीमा का टेबल था, उस टेबल को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, और लोकेशन आईडी को एज अ कॉमन कनेक्टर रखा था। मतलब लोकेशन आईडी के वजह से हम यहाँ से इस दूसरे टेबल पे जंप कर सकते हैं। इन द सेम वे ये जो स्टार स्कीमा का टेबल है, इस टेबल को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, एक खुद ये पार्ट और दूसरा ये पार्ट, और सिटी आईडी को हमने एज अ कॉमन कनेक्टर रखा है जो हमें हेल्प करेगा इस टेबल से इस टेबल पे जंप करने के लिए, राइट। अब और सिटी आईडी यूनिक होता है तो वो भी है, ओके। तो सिटी आईडी की हेल्प से हम इस टेबल से इस टेबल पे जंप कर सकते हैं, एंड देन सिटी के अगर बारे में हमने इंफॉर्मेशन लिख, अगर हमें लिख इंफॉर्मेशन लिखनी हो, तो सिटी किस रीजन में है, सिटी किस स्टेट में है, वो सिटी किस कंट्री में है, सिटी का जिप कोड क्या है, दैट वी आर स्टाफ, ठीक है। तो बेसिकली ये है। अब यहां पे जो सिटी आईडी है वो फॉरेन की बन जाएगा, एफ के यहां पे लिखेंगे, क्योंकि सिटी आईडी जो है वो इस चीज को इस चीज के साथ कनेक्ट करती है, ये यहां पे फॉरेन की और ये यहां पे प्राइमरी की, और बाकी की सारी चीजें वैसी, क्योंकि हमें क्वेश्चन के अंदर कुछ करने के लिए बोला ही नहीं है। अगर क्वेश्चन के अंदर कुछ करने के लिए बोला ही नहीं है और स्नोफ्लेक्स स्कीमा ड्रॉ करो ये बोला है, तो सबसे पहले स्टार स्कीमा ड्रॉ कर दो और किसी भी एक डायमेंशन को पकड़ो, जहां पे हमने होटल इस डायमेंशन को पकड़ा है, और उस होटल या उस डायमेंशन, जो भी डायमेंशन तुमने पकड़ा है, उस डायमेंशन के साथ तुम ऐसा कुछ कर सकते हो। तो ये तुम्हारा बन गया स्नोफ्लेक्स स्कीमा। अब तुम्हारे मन में ये डाउट आ रहा होगा कि यार हमें कैसे पता चलेगा या तुझे कैसे पता चला कि स्टेट, रीजन और कंट्री यहाँ पे रब करके ही उसकी जगह पे सिटी आईडी लिखना है, और फिर यहाँ पे सिटी आईडी क्रिएट करके तो ये इंफॉर्मेशन लिख सकता है। हाउ डिड यू नो? तो उसके लिए तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस के साथ साथ तुम्हें ये पता चलेगा कि कब कहाँ पे क्या करना है, और तुम्हें ये भी पता चलेगा कि कौन सा डायमेंशन ये प्रोसेस के लिए सबसे ज़्यादा ईजी है, ताकि तुम एग्जाम में वो चीज़ कर सको। तो प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए तुम ऑनलाइन प्रैक्टिस कर सकते हो, जो इंटरनेट पे एग्जांपल्स मिल सकते हैं वो, या नोट्स हमारे रेफर कर सकते हो, इट्स अ चॉइस। अब ये हमारा प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट के अंदर आपको इस सब्जेक्ट के सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।